अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में BSAF के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। BS इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कंप्लीट इंट्रोडक्शन, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको BSAF करवाती हैं, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा और इस डिग्री का स्कोप क्या है, और ये डिग्री करने के बाद आपको कौन सी जॉब ऑफर करवाई जाती हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें, sponsor.pk को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। BSAF इज़ द BS इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। फाइनेंस की स्टडी में आपको पढ़ाया जाता है कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और जो बिज़नेस के कामों में रिपोर्टिंग और एनालिसिस होती है, वो तमाम आपको इसके बारे में स्टडी करवाई जाती हैं। ये 4 साल प्रोग्राम है और इस पे 8 सेमेस्टर मुश्तमिल हैं। हर सेमेस्टर का जो ड्यूरेशन है वो 6 माह का होता है। 6 माह के बाद आपका 1 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से आपके जो 4 साल हैं वो कंप्लीट होंगे। और इसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनमें मैथमेटिक्स हैं, अकाउंटिंग हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैं, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस लॉ, ये तमाम सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाते हैं। अगर इसके स्कोप की बात की जाए तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। बाहर के ममालिक, इंग्लैंड, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में आपको जॉब मिल सकती है, और इसके अलावा पाकिस्तान में मुख्तलिफ NGOs, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज़ एंड कमर्शियल एंड लोकल बैंक में भी मस्टली जो BSAF वाला बंदा है वो रिक्वायर्ड होता है। इसका जो करियर है, आप अकाउंटिंग टेक्नीशियन बन सकते हैं, अकाउंटेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, टैक्स एडवाइज़र एंड फाइनेंशियल डायरेक्टर भी इसमें बन सकते हैं। इस डिग्री के अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो आपने FSC या कोई भी इसके इक्विवेलेंट कोर्स किया है तो आपके उसमें 60% से अबव मार्क्स होने लाजमी हैं। जिस बंदे के 60% से अबव मार्क्स होंगे वही इस डिग्री के लिए एप्लीकेबल होगा। और एडमिशन की बात की जाए तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक रोल नंबर स्लिप दे दी जाएगी, तो आपका उसके बाद एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। जैसे ही आपका टेस्ट लिया जाएगा तो उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेंगी रिज़ल्ट के लिए। जैसे ही मेरिट लिस्ट पर आपका नेम आएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आप इसके लिए ऑफलाइन तो फिज़िकली किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में या किसी तालीमी अदारे में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब आपको पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो BSAF करवाती हैं। वैसे तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि BSAF करवाती हैं, लेकिन जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, बहरिया यूनिवर्सिटी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, GC यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर, तमाम ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये टॉप BSAF करवाती हैं। और अगर इसकी सैलरी के बारे में बात की जाए तो जैसे ही आप BSAF कर लेते हैं तो आपकी जो सैलरी पैकेज है वो 30K से 40K तक पर मंथ है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा सैलरी पैकेज है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर एक लाइक कर दें, और इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए एक सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आपके तक पहुंचती रहे और आप इससे गाइडेंस हासिल करते रहें। शुक्रिया।